पहुंचा आप तक समाचार कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। मी एसपींना उद्याच्या दिवशी निवेदन देणार आहे की चौकटीत बोलावं, नाहीतर मी तिथे सभेत घुसेल, नाहीतर मी तिथे सभेत घुसेल, नाहीतर मी तिथे सभेत घुसेल। मी नाही घुसणार, मला काय गरज? मी नाही घुसणार, मला काय गरज? मी नाही घुसणार, मला काय गरज आहे? सरदार तर नंतर जातो, सैनिक पहिले जातात ना। क्या डर गए पालकमंत्री गुलाबराव पाटील? अभी आपने सुना कि किस तरह से पालकमंत्री गुलाबराव पाटील ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दो समय में दो बातें बदली। पहले कहा कि अगर मेरे खिलाफ कुछ गलत सही कहा तो मैं सभा में घुस जाऊंगा, और बाद में कह रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं क्यों घुसूंगा, पहले तो सेना आती है। फिर से सुनिए क्या कह रहे हैं मंत्री गुलाबराव पाटील। मी एसपींना उद्याच्या दिवशी निवेदन देणार आहे की चौकटीत बोलावं, नाहीतर मी तिथे सभेत घुसेल। मी नाही घुसणार, मला काय गरज आहे? सरदार तर नंतर जातो, सैनिक पहिले जातात ना। दरअसल आने वाली 23 तारीख को पाचोरा में उद्धव ठाकरे एक सभा लेंगे, और सभी को पता है कि पाचोरा से जलगांव तक जो लोग भी उद्धव ठाकरे दल के लिए गद्दार माने जाते हैं उनके लिए टीका टिप्पणी जरूर होगी, और उसमें संजय राउत शुक्रवार शाम को जलगांव पहुंच जाएंगे। सभी जानते हैं कि संजय राउत किस तरह का प्रहार किया करते हैं, और इसलिए जिले में शांति व्यवस्थाओं को भी चाक चौबंद रखने की जरूरत है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद तो है लेकिन किसी भी अनहोनी के लिए आशंकित भी है। नेता आए, भाषण दें, सभा लें, लेकिन सभी से जलगांव के निवासियों का निवेदन है कि किसी भी तरह के भड़काऊ भाषण न दें, जिस वजह से जिले का माहौल खराब हो, किसी भी तरह का हंगामा हो, क्योंकि इस तरह से कुछ भी हुआ तो आखिरकार नुकसान तो जनता का ही होगा। जलगांव से जकी अहमद के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।